तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलो हरे। ये जो धूप है ना यहाँ से हटा लो, यहाँ से पीछे रख लो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बार जोर करके बोले बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। कहते श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सब के सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरु जी कहा करते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर हमें कोई मदद करने वाले हो, कोई जन बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर हमारे पास में मन का बल हो जो काम को कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा बल है ये आत्मा बल है। अगर हमारे पास में आत्मा बल हो हम कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना और ये श्रीमद् भागवत कथा को रखवाना, गुरु जी कहते थे न तो कोई पैसा के बल पर रख सकता है, न तो कोई जन का बल पर रख सकता है, न तो कोई मन का बल पर रख सकता है, न तो कोई आत्मा का बल पर रख सकता। जब तक ठाकुर जी की और गुरु जी की कृपा बल नहीं हो कभी ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकता और कथा कोई सुन नहीं सकते। मैं तो सारा दुनिया में कथा करता हूँ, मैंने बहुत सारी जगह पे देख लिया है। पापलेट छपवा दिया, कार्ड छपवा दिया, बटवा दिया, घर घर में बटवा दिया। एक दो दिन कथा बाकी है लेकिन घर में ऐसे कुछ दिक्कत आ जाती है, ऐसे कुछ समस्या आ जाती, कथा बंद हो जाती, वो कथा नहीं हो पाती। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले एक जन्म नहीं, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। जब करोड़ों करोड़ जन्म की कोई सौभाग्य उदय हो तभी ये श्रीमद् भागवत कथा को कोई रख सकते हैं और कथा कोई सुन सकते हैं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले हे परीक्षित बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतम स्वरूपम। बोले ये श्रीमद् भागवत है क्या चीज। बोले तमादि देवम, जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उसी समय में श्री उद्धव भी थे। बोले हे प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, मुझे भी छोड़ करके जा रहे हो, अभी बताओ मैं किसका आश्रय लूं, किसके आश्रय में रहूं, आप कृपा करके बताओ। कृष्ण ने कहा देखो उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूं लेकिन ये कलियुग में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूं। बोले प्रभु कलियुग में आप किस स्वरूप में रहोगे। बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ देख रहे हो, बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति। भगवान कलियुग में ये सप्त ब्रह्म रूप में
बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी कलयुग में निवास करेंगे। इसलिए ये भागवत में 12 खंड है। 12 खंड में प्रथम और दूसरा जो खंड है अध्याय खंड है, यदि ये कृष्ण की दो चरण है। तृतीय चतुर्थ स्कंध ये ठाकुर जी की दो जंघाएं हैं। जो पंचम स्कंध ये ठाकुर जी की नाभि कमल। षष्ठ सप्तम स्कंध ये भगवान की दो भुजाएं हैं। अष्टम स्कंध ये भगवान की वक्ष स्थल। नवम स्कंध ये भगवान की कंठ। दसम स्कंध ये भगवान की मुखार बिंद। और एकादश स्कंध ठाकुर की ललाट। और जो द्वादश स्कंध ठाकुर जी की सर है। बोले ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये भगवान कृष्ण स्वयं जीव की कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में कलयुग में प्रकट हुए। इसलिए बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवत स्वरूपम। अगर कोई ये भव सागर से, ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट से अगर कोई पर पारा जानना चाहते हैं, बोले उससे सबसे सरल उपाय क्या है, बोले आओ केवल ये भागवत कथा में बैठ जाओ, आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ज्ञान ध्यान जप तप दान कुछ भी करने का जरूरत, आओ और केवल ये भागवत कथा में बैठ जाओ। ये भागवत कथा श्रवण करते करते सीधा भगवत धाम को प्राप्त करोगे, सारे दुख कष्ट से निकल जाओगे। इसलिए बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ ने बोले तमादि देवम करुणा निदानम। जैसे भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण जैसे अनादि के आदि सारे कारणों का जो मूल कारण है, बोले जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये जितने ग्रंथों में ये सर्वश्रेष्ठ श्री भागवत ग्रंथ है। इसलिए भागवत में चार ही अक्षर है। कितना अक्षर है, कितना अक्षर है, बोले भा ग ब और त। बोले इसमें चार ही अक्षर क्यों है, आज मैं बोलूंगा आपसे कल सुनूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा जो मेरे को बोल पाएगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। इसमें ये चार ही अक्षर क्यों, अरे भागवत में जो चार ही अक्षर में ही ये संपूर्ण ये भागवत विद्यमान है। इसलिए आज मैं बोलूंगा और सबके सब ध्यान देकर सुना, कल सबको मैं पूछूंगा देखूंगा मेरे को कौन उत्तर दे सकता है, जो बोल देगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। बोले भा, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले ग, बोले गीयते नारदादिभि, बोले ब, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले त, बोले तरणी च भवार्णवा। बोले भा मतलब क्या होता है, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, केवल ऐसे नहीं केवल ये भारत भूमि में ही हम ये भागवत कथा श्रवण करते हैं। ये भागवत कथा की इतनी महिमा है जिसकी महिमा सर्वत्र है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा की इतनी महिमा, कितने महिमा है, बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। मतलब आज जो सौभाग्य कहते भैया स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाने जा रहे थे, मतलब जिन जिन देवताओं को हम घर घर में पूजा करते हैं ना, वो सारे देवता स्वर्ग लोक छोड़ इसी मरते जगत में आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप ये परीक्षित को कथा क्यों सुन, बोले 7 दिन में इनको तक्षक दर्शन करेगा इसलिए ना। बोले हाँ, स्वर्ग से ये अमृत कलश लाए, ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, पूरा के पूरा अमृत कलश ले लो और इसको श्री परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर बन जाएंगे। लेकिन ये जो श्रीमद् कथा हमें सुना दो, देखो ये कथा की कितने महिमा है।
सुखदेव गोस्वामी क्या उदाहरण देते हैं, बोले को काच को मणि निमार, बोले मूर्खो तुम लोग केवल बड़े स्वार्थी हो, अपना मतलब को हासिल करना जानते हो। वो उदाहरण देते हैं, अगर कोई एक कांच की टुकड़े लेकर के आए, बोले भैया कांच की टुकड़े तू ले ले और तेरे पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो। अब कोई दे दोगे? कहती ये स्वर्ग का अमृत क्या है? देखो स्वर्ग अमृत पीने से क्या होता है, स्वर्ग अमृत पीने से काम क्रोध लोभ मोह बढ़ता है। देवता का राजा इंद्र है, पता नहीं कितना बार सुअर बने, कितना बार पता नहीं कितने दुर्गति हुई, अहल्या के प्रति आसक्ति हुई तो कितने दुर्गति भोगना पड़ा। काम बढ़ती है, काम घटती नहीं, लेकिन भागवत कथा सुनने से काम क्रोध लोभ मोह घटती हैं, हैं घटती हैं। लेकिन इसी जगत में आप पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में अमृत पी करके इसे कोई काम नहीं, फिर ये भारत भूमि में मानव जन्म पा सकते हो। अमृत पी करके क्या होता है, अमृत पीने से पुण्य घटती है, पुण्य घटती है। और खिन्न पुण्यम मर्त्य लोकम विसरती, उनकी पुण्य खन होना पर उनको धक्का दे करके फिर 84 लक्ष जोनि में भटकना पड़ता है। लेकिन कथा सुनने से पुण्य बढ़ती है, पुण्य सुकृति बढ़ती है, पुण्य बढ़ती है, लेकिन अमृत पीने से पुण्य घटती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ये देवता को वहां से खदेड़ दिए, कथा नहीं सुन सकते हो, भाग जाओ, कथा सुनने के लिए आए। ये कथा नहीं, ये स्वयं श्री बांके बिहारी, ये स्वयं कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण को साथ में हम किसी चीज को बराबर नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति ये भागवत कथा कहते आप लोग स्वर्ग में जो देवता है ना, देवता से भी हम लोग ज्यादा पुण्य आत्मा है, तभी ये कथा को सुन रहे हैं। एक बार भागवत की जयकार तो जोर से बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। कोई जय कोई है बोल रहे हो, और कुछ कुछ लोग तो चुपचाप बैठे हैं। देखो भगवान की जितने जोर से जयकार दोगे ना, ठाकुर को थोड़ी जय है, ठाकुर तो जय जयकार है। जो जितने जोर से ठाकुर को जयकार देता है उतना ही पाप कटेगी, उतना भक्ति विवेक और इतना तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगी। जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। भैया लगे कई कथा हो रही है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये स्वर्ग लोक में भी ये भागवत कथा नहीं। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, उसको 7 लोकों पर ब्रह्म लोक है। कहते भैया ब्रह्म लोक में भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं है? बोले कथा है तो भेदे भावना बिहाए, कथा है तो भेदे भावना बिहाए, कथा है तो भेदे भावना बिहाए, कथा है तो भेदे भावना। अब लोग सब हिंदी समझते हो ना। देखो ये सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अगर कहीं भागवत कथा हो, आप लोग कितने दूर से आए हो, कोई 1 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, इससे तो ज्यादा दूर से कोई नहीं आते हो। लेकिन ब्रह्मा कहाँ रहते हैं आपको पता है? ये भूर भूव मोह जन तप और सत्य, सत्य लोग, ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचाई लोग ये सत्य लोग। आप सोच नहीं सकते कितने करोड़ किलोमीटर दूर से ब्रह्मा ब्रह्मानी को लेकर के कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले धाई, धाई मतलब क्या? दौड़ दौड़ करके। हम दौड़ दौड़ करके कहाँ जाते हैं बताओ? अगर कोई बोले ना आज अगर जगोगे नहीं तो कोई बिजनेस करोगे 1 लाख रुपया प्रॉपर्टी होगा, देखना हम रात भर सोएंगे नहीं,
और वहाँ भाग भाग करके हम वहाँ पर जाएंगे हैं। इसलिए कहते श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग से दौड़ दौड़ कर कथा सुनने आते हैं। बोले भैया दौड़ दौड़ कर क्यों आते हैं? इसलिए कारण यही है, उनको पता है ये भागवत से जितने हमें लाभ होगी ना, जितने ये भागवत कथा से हमें प्रॉफिट होगी, और कोई भी बिजनेस से भैया इतने लाभ तुम्हारी नहीं हो सकती। कोई भी बिजनेस नहीं, किसी बिजनेस में तुम फेल हो सकते हो भले, लेकिन जो भक्ति का जो बिजनेस करते हैं ना, अभी तो कोई फेल हुए ही नहीं। बताओ, ध्रुव जी फेल हुए, मीराबाई फेल हुई, हनुमान जी फेल हुए, तुलसीदास जी कोई फेल हुए? कोई फेल नहीं हुए। इसलिए मीरा कहती हैं, दीन दीन बड़त सवायो पायो जी मैंने, रामरत जागरण पायो पायो जी मैंने, रामरत जागरण पायो, चोर नहीं ले मे लूटे नहीं जावे, चोर नहीं ले भक्ति में आपको किसको हानि नहीं है, ये भक्ति धन कभी घटेगी नहीं। कहते दीन दीन बड़ा तो सवाय, भक्ति बढ़ते रहती है, भक्ति कभी घटती है। इसलिए कहते भैया ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक कथा सुन करके आते हैं। बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो, शंकर जी को पता चले कहीं ये भागवत कथा हो रही है। शंकर जी उसको ऊपर में कैलाश लोक है, शंकर जी कैलाश लोक से कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रितया युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक समय त्रितया युग में शंकर और सती कैलाश छोड़ करके अगस्त ऋषि की पास में कथा सुनने आए थे। जब कथा सुनकर के जा ही रहे थे, इतने में श्री रावण माता सीता को उठा करके ले गया, और भगवान राम बड़ी मीठी मीठी लीला कर रहे थे और हासते हासते बोल करके लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे। इतने में सती को तो शंका हो गई, बोले ये किसको प्रणाम कर रहे? शंकर जी दूर से परिक्रमा कर रहे थे, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे थे, शंकर प्रभु की लीला में कोई व्याघात नहीं हो जाए। इतने में सती ने प्रश्न की, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? आप जो परम ब्रह्म परात पर तत्व श्री राम की कथा हमें सुनाते हो, ये क्या वही राम ना, ये कोई साधारण जीव है? क्योंकि मेरे को तो पता है रावण जिस सीता को उठा करके लेकर गया, वो सीता है ही नहीं, वो तो छाया नकली सीता है, और अभी वो अशोक वाटिका में, ये तो मेरे को पता। अगर ये परम ब्रह्म परात पर तत्व अगर होते होंगे, क्या उनको इतनी सी बात पता नहीं? शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, बोले नहीं सती, यही परम ब्रह्म परात पर तो राम है। शंकर जी को एक तरह के पार्वती के सती की गुरु जी है। सती बोली देखो मैं अनपढ़ नहीं हूँ, लिखी पढ़ी हूँ, मैं लिखी पढ़ी हूँ, ऐसे नहीं आप जो बोलोगे मैं समझ जाऊंगी, इसलिए मैं तो परीक्षा करना चाहता हूँ। शंकर जी बोले भैया जाकर परीक्षा कर लो, है देखो जगत में ऐसे पांच प है ना, दुनिया को आप समझा दो, लेकिन जो पांच प आप इनको समझा नहीं सकते। जानते हो पांच प कौन है? पहला नंबर है पत्नी। आप देखना पति भले ही सारा दुनिया को समझा दे, अपना पत्नी को कोई बात समझाने के लिए जाए हैं? पत्नी को कोई समझाने के लिए जाए? पत्नियां हर समय कहती इनको तो हम समझाते समय तो फेल हो जाती, ये हमारी बात ही नहीं सुनते। लेकिन इसलिए पहला पत्नी पत्नी, इसको दुनिया को समझाओ, इसको आप समझा नहीं सकते हो। दूसरा जो प है पुत्री, दुनिया को पढ़ा लो, अपना पुत्री को नहीं पढ़ा सकते हो। तीसरा प है पुत्र, चौथा प है परिवार। देखना सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत हो, परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं। और जो पंचमा प है ना पड़ोसी, देखना दुनिया को सबके साथ में आपको मित्रता होगी, लेकिन पड़ोसी में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा होगी। इसलिए शंकर जी कोशिश किया समझाने के लिए, लेकिन समझा नहीं सके।
फिर उन्होंने परीक्षा करने के लिए प्रभु राम को गए हैं परीक्षा। इसलिए इसका तात्पर्य है कथा ये कैलाश लोक में भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते कैलाश की बात छोड़ दो, ये भगवत कथा ये वैकुंठ नाश दे अमरस, कहते ये वैकुंठ में भी ये भागवत कथा नहीं, ये भगवत भक्ति कथा वैकुंठ में नहीं। याद कहते बले गाया ओ गरुड़ा जहां बस ए भूसोता, बजाते हुए जब कीर्तन हो ना पीछे पीछे ठीक है बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे बहते बहते और हमारी घर की सामने में आ, और हम घर में बैठ बैठ करके ये कथा रूपी अमर कथा रूपी मंदाकिनी में हमने गोता लगा ली। इसका तात्पर्य है हम लोग आज बड़े भाग्यवान हैं जो कि ये भागवत कथा सुन रहे हैं। इसलिए ये बात शंकर जी पार्वती को भी यही कहते हैं। देखो शंकर जी क्या कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई, हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर भागवत में नाश से कोटि अपराध। अगर जीवन में अगर इतनी सी समय अगर जीवन में सत्संग भागवत कथा जीवन में सुनने को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाते हैं। भैया ये बात को कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? श्री शंकर जी कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं। देखो अगर किसी बात को एरे गरे व्यक्ति कोई कहे ना भले इसका बात की क्या महत्व है,
लेकिन अगर कोई मोदी अगर कोई बात को बोले भैया जरूर उसमें कुछ दम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। इसलिए ये बात को स्वयं शंकर जी कहते, पार्वती ये जो भागवत कथा है ये बड़ा दुर्लभ है। सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बरा, कहते अगर एक निमिष एक दंड अगर जीवन में ये भगवत कथा सुनने को मिल जाए ये जीवन धन्य हो जाती है। पार्वती कहती है प्रभु आप कहते हो भागवत कथा बड़ा दुर्लभ, बोले हाँ, बोले दुर्लभ कहाँ है, देखो यहाँ पर सुलभ हो गया ना कि नहीं। नवीन प्रभु ने बैनर लगाया, फिर कितना दिन से प्रचार कर रहे हैं, पाम्पलेट बंटवाया और गली गली हमें जा करके हमने कीर्तन की है, और उन्होंने गले फाड़ फाड़ करके बोले देखो भागवत कथा हो रही है, आप लोग सबके सब आओ। देखो यहाँ पर गर्म का भी व्यवस्था, कितना सुंदर पैंडल बना है, और जैसे लोगों को बैठने के लिए सुविधा हो चेयर भी बड़े सुंदर गद्दा भी लगा दिया। इतना नहीं कथा के बाद प्रसाद की व्यवस्था, कथा के बाद में प्रसाद की, मतलब कितने सब कुछ, भैया आओ भागवत कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, जिससे मंगल है, जिसमें मंगल है, जीवन में शांति, जीवन में सुख मिलता है। इसलिए ब्रज गोपियां ये बात को कह रही हैं, अगर ये भागवत कथा कोई श्रवण करेगा, राधा रानी स्वयं कहती हैं तुमको सात लाभ होगी। बोले क्या सात लाभ है, बोले पहला लाभ है, बोले तब कथा मृतम जो लोग अमरनाथ गए होंगे ना, अब देखे होंगे शंकर जी माता पार्वती को जहां पर कथा सुनाए थे अभी भी वो स्थान है, इसको कहते हैं अमर कथा बोला है। इसलिए जिस कथा को सुन करके स्वयं शंकर जी कहते माता पार्वती दोनों अमरत्व की प्राप्ति की, इसलिए भागवत कथा अमर कथा है इसका नाम। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ बताए आप जगत को प्राप्त करोगे, कथा सुनने पर दूसरा लाभ क्या है इसका इको कम करो, इसलिए इसका दूसरा लाभ है तप्त जीवनम। तप्त जीवनम मतलब है संसार में जो दुख है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, यहाँ पर राधा रानी कहती है कथा सुनो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएगी, सारे दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी। कौन कह रही है, ये राधा रानी स्वयं कहती है तप्त जीवनम। कभी भी रीडितम, जिस कथा को बड़े बड़े सुख सनकादि आदि जिस कथा को गान करते हैं, ये भागवत कथा आई कहाँ से, सर्वप्रथम स्वयं बांके बिहारी सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिए, फिर ब्रह्मा जी उसी ज्ञान को श्री
नारद जी को दिए। फिर नारद जी को कहते श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री नारद जी फिर देते हैं व्यास देव को, फिर सुखदेव गोस्वामी, फिर सुखदेव गोस्वामी श्री सुतो गोस्वामी, सुतो गोस्वामी फिर सोनका कदी। ये धीरे 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 ये परंपरा से, ये भगवान से ये कथा धीरे धीरे आई। इसलिए जिन कथाओं को साधारण व्यक्ति नहीं, जिन कथा को स्वयं ठाकुर जी के मुंह से भगवान की मुखार बिंद से निकली, इसलिए उसका नाम भागवतम। कहते भगवत प्रोक्तम इति भागवतम, जो साक्षात भगवान की मुंह से कथा निकली। इसलिए कहते हैं कभी भी रीडितम बल कलमस आपम, कथा सुनने से जीवन का जितने पाप है सारे पाप तुम्हारी दूर हो जाएगी। बोले श्रवण मंगलम, जो ये भागवत कथा श्रवण करेगा जीवन में तुम्हारी मंगल मंगलमय होगी। इसलिए हमारे गुरु जी थे, बोले एक समय कोई के फेरी वाला, देखो ध्यान देकर सुना, आपको पता नहीं ये कथा पता होता है क्या, देखो इसलिए कथा की इतने महत्व सुनते हैं। जब तक इसकी महत्व नहीं सुनेंगे ना तब तक उसके प्रति प्रीति नहीं होगी। देखो हमारे बड़े गुरु जी कथा सुनाया करते थे अनजान में भी, आपको पता नहीं ये कथा बता होती है क्या, हठात कैसे आकर बैठ गई, देखो कितना महत्व है। मतलब एक समय को एक फेरी वाला फेरी का काम करते करते बड़े दूर का, इसलिए उसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब क्या है, चित्र मतलब होता है हमारे फटो, गुप्त मतलब होता है अगर कोई सोचे नहीं 10 मंजिली के ऊपर में दरवाजा बंद करके मैं कुछ कर रहा हूँ, थोड़ी कोई देख सकता है। तीन में सूर्य का किरण, वहां पर कोई चीज हम छुपा नहीं सकते हैं। रात को रात अंधकार सब जगह पर, 10 दिशाएं चंद्रमा का किरण है, इसलिए कोई भी काम को हम कभी छुपा करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त, जो छुपा छुपा करके सारे फटों को हमारो हमारे ले रहा है, और मरने का बाद ये सारे कापी खुलेगी, सारे हमारी कापी खुलेगी। देखो हमने जैसे कर्म की ना, हमारा पत्नी भी ऐसा ही है, पति भी ऐसा ही है। इसका पति बहुत अच्छे, पत्नी बड़ी अच्छी होती है, मतलब अच्छे कर्म किया, लेकिन किसका पति दिन भर पिता रहता है, काम धंधा नहीं करता, मार पीट, ऐसे क्यों? किसके पति बड़ी है? पत्नी अच्छी, कई पत्नी अच्छी नहीं, परिवार किसको अच्छे अच्छे नहीं मिलते हैं, हैं? एक बच्चे देखना सब अलग अलग, किसकी नेचर से किसकी नहीं मिलती है। एक बच्चा तो बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा एकदम नील, क्यों? कारण क्या? ये सारे कर्म की फल है, हम कुछ पा करके नहीं कर सकते। अब जो कथा सुन रहे हैं ना, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, चित्रगुप्त सब लिख रहा है, अब यहां बैठ करके हम कथा सुन रहे हो, देखो क्या होता है। जब उसको मरने का बाद चित्रगुप्त को बोले, जब महाराज इसका कापी खोलो कितने पाप और पुण्य। बोले महाराज जी इसने तो कोई पुण्य करता था, फेरी का काम, झूठ मूठ करके पैसा कमाता था, लेकिन कहीं दान पुण्य सत्कर्म कभी किया ही नहीं। बोले देखो तो सही, थोड़ी बहुत तो कुछ होगा, दोनों में क्या लेना चाहते हो? बोले भैया जब नर्क जाना ही है, मैंने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है, 1 घंटा उसको एक व्यक्ति को बोले भैया इसको 1 घंटा स्वर्ग घुमा करके ले आओ, उन लोगों को स्वर्ग में छोड़ दिया वहां चौकीदार के पास में, 1 घंटा बाद में वापस दे देना। अभी वहां पर रंभा उर्वशी मेनका एक से एक सुंदर स्त्री, पारिजात पुष्प सुधर्मा स्वभाव, वहां पर लाइट नहीं, एक मणि ईट पत्थर से नहीं, सोने हीरे चांदी से सब बना हुआ है, वहां पर अमृत। उसने उसको पता 1 घंटा बाद में मेरे को वापस जाना, थोड़ी सी घूम घाम करके देख लेता हूँ। उसने देखा एक कोड़े में कोई जा ही नहीं रहे, बोले भैया इधर क्यों जा? उधर जा करके देखा वहां पर श्री बामन देव उपेंद्र और वहां पर चतुसन है, कुछ सात्विक संपन्न, देखा भैया वहां पर भी कीर्तन सत्संग हो रहा था, हठात याद आया अरे ये चित्रगुप्त तो क्या बोल रहा था, 1 घंटा कथा सुनी इसलिए 1 घंटा स्वर्ग, भैया यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी सत्संग, यहाँ भी कीर्तन हो रहा है, अगर और 1 घंटा बैठ जाऊंगा ना मेरे तो 2 घंटा स्वर्ग हो जाएगा। उसने स्वर्ग को भुलाया नहीं, वहीं पर चुपचाप बैठ गया, देखता हूँ इसका कुछ फल मिलता कि नहीं। अभी 1 घंटा खत्म हो गया, जब महाराज जो उनका जो
ले गए थे जमदूत, बोले भैया आसाम को वापस दो, एक घंटा खत्म हो गया। वो घूमते घामते जाकर के देखा कथा में बैठे जो ये भागवत कथा में बैठे हैं, कहते हरि को था है, बोला हरि कहाँ है, बोला हरि केवल कथा में। इसलिए नारद को स्वयं कहते हैं ना अहम बसामि योगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि। नारद ठाकुर स्वयं कहते हैं, जब नारद जी पूछे प्रभु कहाँ रहते हो, दुनिया कहते मैं आप बैकुंठ में रहते हो, ठाकुर जी कहते भैया मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते योगियों का हृदय में, बोले वहां भी नहीं, बोले कहाँ रहते हो, बोले एक जगह में मेरे को तू पाओगे, मत भक्ता जत्र गायंती, जहां पर मेरे भक्त मेरी कीर्तन कथा कर रहे हैं, केवल मैं वापस चले आए। देखो कथा सुनने का क्या फल, देखो ये भागवत में बताए, बोले श्रीनोताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन। हम कथा किधर से सुन रहे हैं, कानों से। किधर से सुन रहे हो, कानों से। मानो ठाकुर जी हमारी दो कानों को माध्यम दे करके ठाकुर जी हृदय में जा रहे हैं। उदाहरण सता, जैसे आपका घर में आपका कोई प्यारे कोई बहुत बहुत अच्छे कोई आपकी दोस्त आ जाए, देखा यहाँ पर एक कुर्सी है जिसमें धूल जमा हुआ, वो आपको ये कहेगा दोस्त तो उसको साफ कर में बैठूंगा, क्यों आपका बहुत अच्छा मित्र है, वो क्या करेगा पकेट से रुमाल निकाल स्वयं साफ करके बैठ जाएगा। कहते हमारा सबसे बढ़िया मित्र कौन है, ठाकुर जी है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ठाकुर जी जो कान को माध्यम से हृदय में जा रहे हैं, अगर हमारी हृदय में कोई काम होना ठाकुर जी अपना रुमाल निकाल करके सकते हैं। अगर हम लोग सात सात दिन कथा सुने तो अब सोच नहीं सकते इसका क्या फल है। तभी तो परीक्षित महाराज को कथा सुनते सुनते भगवत लोक की प्राप्ति हुई ना, प्राप्त। इसलिए बोले श्रवण मंगलम, कथा सुनने से मंगल मंगल होगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी कथा। बोले श्री, बोले श्री मतलब क्या, बोले ऐश्वर्य। श्री मतलब होता है ऐश्वर्य, धन जस प्रतिभा। कहते जो व्यक्ति भगवत कथा सुनते हैं घर में माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है, उसकी जस भी होता है, उसका महिमा भी सारा दुनिया जाता है। दा, बोले दा मतलब क्या है, बोले संसार का जो बंधन है वो बंधन खत्म हो जाती है। इसलिए ब्रज गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन ये भागवत कथा को जो दान करते हैं उनके दानी दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ा दान जो भागवत कथा में तो करते हैं, कहते इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं। एक बार भागवत की जय कर दो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। हम लोग जयकार ठीक से नहीं दे रहे, जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सतसंगति दुर्लभ संसारा, ये जो भागवत कथा जगत में दुर्लभ। देखो ध्यान देकर सुनो, पार्वती कहती है बोले प्रभु आप कहते हो भागवत कथा दुर्लभ, कहाँ दुर्लभ, सुलभ हो गया ना। नवीन प्रभु उनका परिवार भक्त लोग हैं, प्रचार किया सब आओ कथा में आओ, प्रसाद की व्यवस्था सब कुछ, आओ केवल बैठो कथा सुनो, ये दुर्लभ कहाँ सुलभ है। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सतसंगति आबत यही सरति कठिनाई, आबत यही सरति कठिनाई, आबत यही सर कृपा कर।
इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिन आय न जाए। बोले बड़ा कठिन कथा में आना, किसको बोलो ना कथा में आओ, अगर पति को बोलो पति पत्नी को बोलेगी देख तू चली जा, पत्नी को बोलेगी मैं अपना काम निपटा करके आ जाऊंगा। बोले भैया खुद निपट जाओगे काम क्या निपटेगा, अभी तो किसे काम कभी निपटा है, अभी तक किसी ने काम निपटा है, किसी ने कोई नहीं निपटा पाए। बल्कि अब सत्संग में आओगे ना आपका जो पीछे का काम ठाकुर कर लेंगे। देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे जो बड़े गुरु जी की फोटो देखो, इनकी कथा सुनो, ये सत्संग की कितनी महिमा। और हमारे गुरुदेव ये घर क्यों छोड़े, हमारे बड़े गुरु जी ये पुलिस अफिसर थे, छोटे मोटे नहीं अफिसर थे पुलिस, लेकिन इनकी सत्संग में बड़ी रुचि थी। कहीं अगर पता चले कहीं संत लोग आए कथा कर रहे ना, गुरु जी किसी ना कुछ बहाना बना करके ड्यूटी छोड़ करके गुरु जी कथा सुनने जाते थे। एक दिन कुछ हमारे गौड़ी वैष्णव कुछ संत लोग आए तो गुरु जी को पता चला कुछ संत लोग आ रहे हैं, सत्संग होगी। गुरु जी ने क्या क्या जो ड्यूटी थी ना वो ड्यूटी को छोड़ करके बोले थोड़ी कोई देखने वाले चले गए सत्संग में। इतने में उनको ऊपर में जो बड़े पोस्ट में जो अफिसर था उसी दिन कैसे बाई चांस उसी दिन आया उसको चेक करने के लिए ये लोग ड्यूटी सही सही दे रहे कि नहीं। लेकिन गुरु जी तो गए थे सत्संग में। इतने में देखो ठाकुर जी कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इतने में स्वयं ठाकुर जी ये दूर से चेकिंग कर रहा था ये लोग सही सही ड्यूटी दे रहे कि नहीं। उन्होंने देखा बड़ी सिंसियर रूप में कोई एक व्यक्ति सिंसियर रूप में वहां पर ड्यूटी दे रहा, भाग रहा है उधर भाग रहा है उधर भाग रहा, एकदम बढ़िया से ड्यूटी दे रहा था। बड़ा अफिसर ने देखा भैया बड़ा ईमानदारी आदमी कोई है नहीं तभी इतने बढ़िया से ड्यूटी दे रहा है, इसको ड्यूटी की ना थोड़ी सी हम थोड़ा ऊंचा ड्यूटी दे देंगे क्योंकि इतने बढ़िया से ड्यूटी देता है। वो देख कर चला गया। जब गुरुजी सत्संग से आए इनको पता चला मेरे ऊपर का जो बड़ा जो अफिसर वो चेकिंग करने आया था लेकिन मैं तो था ही नहीं, मैं तो गया था ड्यूटी सत्संग में, लगता है भैया शायद नौकरी चली जाएगी। इतने में गुरुजी बड़े डरते डरते ऑफिस में आए, हो सकता है मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने आकर गुरुजी सच बोल दिए देखो मैं कल था नहीं, कोई संत लोग आए थे मैं गया था सत्संग में, मैं कल था नहीं, मैंने सुना आप आए थे चेकिंग करने के लिए। बोले हाँ मैं चेकिंग करने के लिए आया था, मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो पोस्ट है ना थोड़ी ऊंचा पोस्ट दे दे क्यों कल मैंने देखा दूर से तुम बढ़िया से ड्यूटी दे रहा था, तुम बड़े हाँ विश्वासी आदमी है। गुरु जी तो अक्के बक्के चके रह गए। बोले भैया कल तो मैं था ही नहीं, मैं तो गया था सत्संग में गया था। गुरु जी को पता चला भैया सचमुच से ठाकुर जी धारण करते हुए ठाकुर जी स्वयं ड्यूटी दे रहे थे, मैं तो था नहीं। उसको बाद में गुरु जी ने विचार किया मेरे को और ये संसार में नहीं रहना, अभी ठाकुर जी को सेवा के लिए ही जीवन देना है। ये गुरु जी स्वयं ये कथा मथुरा में सुना रहे थे गुरु जी है, गुरु नाम को लिए नहीं। हमें बाद में पता चला गुरु जी की जगह पर कृष्ण स्वयं वाक्य बिहारी वो ड्यूटी दे रहा था। इसलिए कहते ना ठाकुर का तरफ में एक कदम बढ़ो ठाकुर हमारे लिए 10 कदम बढ़ेंगे, ये चीज को हमें विश्वास करनी चाहिए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनो आई न जाई। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होना शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत कथा में कोई नहीं आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई। बोले कौन आ सकते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही यह संगत सोई। जिसको ऊपर में ठाकुर जी की डायरेक्ट जाए ना कहते उसी व्यक्ति को ही जीवन में ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। अगर किसको पता चले यहाँ पर शाहरुख खान आ रहा है, यहाँ पर सलमान खान आ रहा है, यहाँ पर अमिताभ बच्चन आ रहे, ऐश्वर्या राय यहाँ पर आएगी, अगर किसको पता चल जाए तो अब देखो यहाँ पर खड़े होने के लिए जगह मिलेगा, अब बैठने का बात छोड़ दो, टिकट काटने पर भी टिकट में नहीं मिलेगा, 5000 रुपया में तभी टिकट नहीं मिलेगी है। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती लेकिन भागवत कथा में
बड़े सौभाग्यवान व्यक्तियों को कृपा होती है, वही व्यक्ति ठाकुर जी की कथा में आते हैं। बोले कौन आते हैं, एक उदाहरण दिया, जैसे आपका घर में कोई फंक्शन हो रहा है, आपका घर के पास में 9 इंच दीवार के पास में का घर है, अगर आप उस व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दोगे आपकी घर का फंक्शन में वो आएगा? अगर 1000 किलोमीटर दूर में कोई हो, अगर आप उसका नौता दिया होगे ना, देखना वो व्यक्ति वहां से आएगा। लेकिन 9 इंच दीवार को घर को पास में अगर कोई हो, अगर आप नौता नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर कहते भैया भागवत कथा में कौन आए हैं, बोले भगवान बांके बिहारी जिसका निमंत्रण कार्ड भेजा, फोन किया। अभी तो फोन में नंबर भी आ जाती है, इसलिए लगता है आपका फोन में बांके बिहारी का नंबर आ गया होगा है। इसलिए जिसको बांके बिहारी बुलाए ना, बांके बिहारी निमंत्रण दिए, समझो वही व्यक्ति ही आज ये भागवत कथा में वही व्यक्ति आए। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो। हाँ हरे कृष्णा। नवीन कितने बजे तक कथा करनी है? आप लोग से हम प्रश्न करता हूँ, आप लोग सबके सब बताओ कितने से कितने तक कथा कर, आप लोग सब आ सकते हो, फिर हम उतना समय तक कथा करेंगे। क्यों, अभी ठंडी पड़ रहा है, सभी के लिए तो प्रसाद की व्यवस्था है, कोई चिंता नहीं। आप लोग समय तक होने पर, क्योंकि देखो अभी मैंने पहले बताया था आपको, ये कथा नहीं ये कल्प वृक्ष है। 7 दिन तक नियम से अगर कथा सुनोगे, जो कुछ मांगोगे भागवत वही देगा, और भगवत प्रेम भगवत भक्ति भी प्रदान करती है, सारे भगवत कथा देती है। मैं चाहता हूँ आप लोग सभी के सभी आए और टाइम से आए, टाइम से कथा विश्राम हो जाए और टाइम से जा सके। बता आप लोग सबके सब बताओ। मैया कहते 4 से 7 है। हाँ और बताओ, और कौन क्या क्या बता रहे हैं आप लोग, बताओ आप लोग सबके सब बताओ जितने, फिर मैं बताऊंगा, फिर बताओ। मैया ने बोला 4 से 7, और कोई कुछ बता रहे हैं, बोलो सबके सब। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, हम 7, 7:30 बजे तक कोशिश करेंगे कथा को विश्राम दे देने के लिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग घर में भी जाओगे, अपना घर का भी काम काज, और माताओं का सबसे ज्यादा जो दायित्व तो है, कितना भूखे ना भजन हो गोपाला, ये रोटी पानी, लेकिन यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था है, इसलिए अपना पति बच्चों को बुला करके लाओ है, उनको पर भी अच्छी संस्कार पड़ेगा, वो भी कथा सुनेंगे, इसलिए ठीक है ना। इसलिए कल से हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे कम से कम 10 भक्तों को लाना, गुरु जी कहते थे, आप जिन जिन भक्तों को लाओगे कहते उनको जितने सुकृति पुण्य मिलेगी, जो लाने वालों को आधा सुकृति मिली जाएगी जो लेकर के आएगी। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे श्रोता कैसे बननी चाहिए, बोले